कैल्डिकाइंड कैप्सूल, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी कि कब डॉक्टर आपको इसे प्रेस्क्राइब करते हैं, कब आपको इसे लेना चाहिए, क्या डोज होता है, कितना दिन लेना चाहिए, कैसे बेनिफिट देखने को मिलते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो अंत तक बने रहें। कैल्डिकाइंड कैप्सूल, इसके बारे में पहले जानते हैं। तो इसे मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाया जाता है। इसका जो पैक है वह 10 कैप्सूल का कॉस्ट 98 रुपीज है। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है वह कैल्शियम है, विटामिन डी थ्री है, जिंक है। ये जो मॉलिक्यूल है ये इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, साथ में हमारे कैल्शियम के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और कैल्शियम से रिलेटेड जो समस्या होती है उसे दूर करने में हेल्प करते हैं। तो अब बात करते हैं इसे कब दिया जाता है या कब लेना चाहिए। जब आपको कैल्शियम की डिफिशेंसी है तब इसे दिया जाता है, या जैसे कि आपको पूरे बॉडी में जॉइंट पेन होता है यानी कि आपको कैल्शियम की कमी के वजह से जो दर्द होता है तभी से दिया जाता है। आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए दिया जाता है और आपके बोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसे दिया जाता है। कभी कभी डॉक्टर इसे, जैसे कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह रहता है, जब आपके डीमिनरलाइजेशन रहते हैं, मोनोपॉज रहते हैं, तब इसे दिया देते हैं डॉक्टर। इसका जो डोज रहता है मोस्टली ओडी डोज रहता है, वंस डेली डोज रहता है। इसे आप एक फिक्स टाइम पे ले, जैसे मॉर्निंग में ले रहे तो मॉर्निंग में ले, इवनिंग में ले रहे तो इवनिंग में ले, और इसे खाना खाने के बाद लेंगे तो बहुत अच्छा है। इसके अंदर जो विटामिन डी थ्री है बहुत ही स्पेशल है, ये आपके कैल्शियम और फास्फोरस के अब्जॉर्प्शन में मदद करता है, जिसकी वजह से आपका जो बोन डेंसिटी वह बढ़ती है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है और आपके बोन स्ट्रेंथ बढ़ते हैं और आपका काफ़ी जो दर्द वगैरह था वह दूर चला जाता है। तो अब बात करते हैं कि अगर आप कोई डोज मिस कर जा रहे तो सिंगल डोज फॉलो करें, डबल डोज लेने की कोशिश नहीं करें, नहीं तो आपको चक्कर वगैरह या उल्टी आ सकती है। और जैसे कि अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं तो भी डॉक्टर से बंद करने से पहले बताएं। इसका जो डोजिंग रहता है लगभग 1 मंथ तक देते हैं डॉक्टर, उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। जैसे कि फ्रैक्चर से रिलेटेड समस्या रहती है थोड़ा बहुत, तो उसमें भी डॉक्टर से प्रेस्क्राइब करते हैं ताकि आपकी हड्डियाँ का रीजनरेशन जल्दी हो और आपकी हड्डियाँ जॉइंट हो जाएँ। तो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो एक बार जरूर डॉक्टर से इसके बारे में कंसल्ट करें। यह वीडियो एक एजुकेशन नॉलेज पर्पज के लिए बनाई गई है, मेडिकल स्टूडेंट के लिए। अगर आप खुद से इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपको कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आपको उल्टी आ सकती है, जिम चला सकता है, पेट में गैसेस बन सकते हैं और कॉन्स्टिपेशन आपको फील हो सकता है, डायरिया फील हो सकता है। तो अगर आप चैनल और वीडियो पर पहली बार विजिट किया, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। फ्यूचर में अपडेटेड रहना चाहते हैं, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डाउट है डाल के पूछ सकते हैं। अगर डॉक्टर ने आपको उसे प्रेस्क्राइब किया तो किस तरह की समस्या में क्या है आप बता सकते हैं कमेंट करके।